ज्योतिरादित्य जी को हुआ सूरज पे माधवराव सिंधिया लड़े ग्वालियर से, तो आपको याद होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस टाइम, पर लोगों को याद है कि जब उगते हुए सूरज से महाराज लड़े थे तो अम्मा ने और पूरी बीजेपी ने बहुत समर्पित ढंग से उनके अगेंस्ट कोई किसी को नहीं लड़ाया। तो वो ही क्रम में आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं कि घर वापसी है, जनसंघ से माधवराव सिंधिया की का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापस घर वापसी हुई, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपमानित हो रहे हैं, डिसीजन क्यों अपेक्षा की जा रही थी लगातार? आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो, क्या कहना उस पे? हाँ, कहीं ना कहीं तो था, नहीं तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाते जी? लेकिन आदमी को आत्म सम्मान ही चाहिए इन द एंड। आत्म सम्मान की रक्षा हम लोग सब करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या बीजेपी ने पहचान लिया सिंधिया परिवार को, अब बिल्कुल सब एक साथ? इनको लाना, माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल का स्वागत नहीं है, कहीं ना कहीं राजमाता का चेहरा सामने दिख रहा है। धन्यवाद। एक और चीज देखिए कि सारे समर्थक जो है सिंधिया जी के, वो भी उनके साथ खड़े हैं, तस्से मस्ती हो रही है, 19 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। आपने एक अच्छी बात छेड़ी, ये राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी जिस तरह से उनने टस के मस सिंधिया जी के साथ खड़े हुए। ये माधवराव सिंधिया जी के टाइम से एक संस्कारित लॉयल्टी है, ये राजनीतिक लॉयल्टी नहीं है, ये एक संस्कारित पारिवारिक लॉयल्टी है, अंतर है। धन्यवाद भतीजे को, धन्यवाद भतीजे को, शुभकामना दे दीजिए। तो ये बुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो वो भी स्वागत कर रही है, उनका इस्तकबाल कर रही है बीजेपी।